हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरती एंड आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिस डिलीशियस टूटी फ्रूटी केक। इस केक के अंदर मैंने आलमंड एसेंस का यूज़ किया है फॉर द फ्लेवरिंग एंड वनीला एसेंस भी। ये केक बहुत ही डिलीशियस है। इसके अंदर मैंने फुल ऑन बटर डाला है, सो इसका जो ओवरऑल फ्लेवर है वो काफ़ी डेंस आएगा एंड बहुत ही जो बटरी केक होता है ना, जैसे आप लोगों ने कभी मार्केट से ब्रिटानिया केक टेस्ट किया हो, सो ये वैसा सा कुछ आपको टेस्ट करेगा। टूटी फ्रूटी से मैं यूज़ करके मैंने बहुत ही लाइट एंड एक बेसिक फ्रूट केक बनाने का ट्राई किया है। नेक्स्ट मंथ में राखी आने वाली है एंड इट कुड बी अ बेस्ट केक फॉर यू टू गिव टू योर ब्रदर और योर सिस्टर्स और एनीवन यू वुड लाइक टू, और आप उनके साथ इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो केक बनाना स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप टूटी फ्रूटी ली है, जिसमें मैंने येलो, ग्रीन एंड रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है। इसके अंदर मैंने एक ही टेबलस्पून फ्लावर डाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून फ्लावर भी डाल सकते हैं, जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लावर है उसी में से, नॉट जस्ट एक्स्ट्रा वन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं केक के अंदर, तो उसको हमेशा एक ड्राई फ्लावर के साथ हमें कोट करना चाहिए, वो उससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है केक में। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक बड़े बोल में लिया है 100 ग्राम्स ऑफ सॉफ्ट बटर और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, पाउडर शुगर है ये। इसको हमें बीट करना है विद द हेल्प ऑफ अ हैंड मिक्सर फॉर 2 to 3 मिनट्स, जब तक ये एकदम लाइट एंड फ्लफी नहीं हो जाता आपको इसको बीट करना है। जो हाफ कप ऑफ टूटी फ्रूटी मैंने आपको बोला था, आप उसके अंदर 1/4 कप ऑफ टूटी फ्रूटी भी एक्स्ट्रा ऐड करके या रेजिन्स या कोई और ड्राई फ्रूट जो आप अपने केक में फ्लेवर डालना चाहते हैं ऐड करके इसी टाइम पे एक मिक्स को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो जब भी आप बटर को, शुगर को बीट करते हैं, सो मेक श्योर कि आप उसको स्क्रैप डाउन करें विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला एंड देन अगेन बीट करें, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है जो बटर होता है वो नीचे बॉटम पे स्टिक हो जाता है एंड अच्छे से बीट नहीं हो पाता। सो वंस यू सी कि इसका कलर चेंज हो गया है, काफ़ी लाइट हो गया है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4 एग्स। एंड जब भी आप किसी भी केक में एग ऐड करते हैं, सो पहले एक एग डालिए, उसको 30 सेकेंड्स के लिए बीट कीजिए एंड देन सेकेंड एग डालिए। सो 1 by 1 सारे एग्स जब आप इसके अंदर डाल देते हैं, देन वी विल ऐड हाफ टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस एंड 1/4 टीस्पून ऑफ आलमंड एसेंस हियर। आलमंड एसेंस काफ़ी अच्छा फ्लेवर आपके केक को देगा, सो जस्ट ट्राई एंड यूज इट। नेक्स्ट मैंने साइड बाई साइड एक बोल के अंदर 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट को सिफ्ट करके रखा हुआ था। तो जब आपका मिक्सचर बीट हो जाता है, देन वी विल ऐड ऑल द फ्लावर टू द वेट एंड ये स्टेप मैं 2 स्टेप्स में कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने हाफ ऑफ द फ्लावर डाला एंड देन जब वो अच्छे से मिक्स हो गया, देन मैंने सेकेंड हाफ इसके अंदर डाला। सो दिस वे आप इसके अंदर जो लम्ब्स होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। फॉर मी दिस टेक्सचर इज़ परफेक्ट, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका डेंस बैटर बना है, तो आप इसको लूजन अप करने के लिए 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। इस केक का जो बैटर है वो वैसे भी थोड़ा थिक ही होना चाहिए, तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। इट विल नॉट बी रनी और बहुत ही लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। Once you see all the flour has been mixed up, so मैं इसके अंदर अपनी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, जिसको हमने फ्लावर से कोट करके रखा हुआ था। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पैन। सो इस केक को बनाने के लिए मैं एक अपना लोफ पैन यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने प्रिपेयर करने के लिए ऑयल किया, पार्चमेंट पेपर लगाया। उससे क्या होता है जो आपका केक होता है वो पैन के अंदर स्टिक नहीं होता एंड बहुत ईजिली बाहर निकल के आ जाता है। फॉर द बेकिंग मैंने इस टाइम पर अपने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया हुआ है और इस केक को बनने में रफली 40 टू 45 मिनट्स लगेगा, कुड टेक 50 मिनट्स ऑल्सो। सो आई वुड प्रेफर कि आप 40 मिनट्स के बाद एक स्क्यूअर सेंटर में डालें और उसके बाद चेक करें कि वो वेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है सो दैट मीन्स आपका केक डन है। इफ़ इट कम्स आउट नॉट क्लीन तो आप उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए एक्स्ट्रा बेक कीजिए और आपका केक रेडी हो जाएगा। एक और छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई अवन एंड हाउ इट वर्क्स, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं और आपको समझ में नहीं आता, काफ़ी बार केक जो होता है वो बीच से बहुत उठ जाता है, साइड्स उसकी जो होती है वो बैठ जाती है। इन दो सिनेरियोज आप जब इस तरीके से अपने बैटर को स्प्रेड आउट करते हैं तो सेंटर में आप उसको हल्का सा दबा दीजिए, बेसिकली एक गैप दे दीजिए सो दैट जब वो राइज हो तो वो साइड्स को के साथ में इक्वल शेप ले लेगा। नेक्स्ट हम इसको 1-2 बार टैप करेंगे और बेकिंग के लिए अपने केक को ले जाएंगे। एंड नाउ आवर केक इज़ डन। जब आपका केक ठंडा हो जाता है लाइक 10-15 मिनट्स आप अपने केक को हमेशा पैन से निकालने से पहले दीजिए, और उसके बाद साइड्स को क्लियर करने के लिए एक कोई भी स्पैचुला या नाइफ आप रन कीजिए, और आप इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो आपका केक बहुत ईजिली बाहर निकल जाएगा। एंड सी, बिकॉज हमने पैन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था तो आपका जो केक है वो बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ। एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, जैसे आप इसको प्रेस करके देखेंगे इट इज़ होल्डिंग इट्स शेप वेरी नाइसली। और इसका जो, जब आप बटर यूज़ करके केक बनाते हैं ना तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। एंड इट्स सो अमेजिंग। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट। Do comment, like and share my recipes and let me know in the comment section अगर आप इसका eggless version देखना चाहते हैं या कोई और special राखी या तीज related recipe आप मेरे channel पे देखना चाहते हैं। So guys, take care of yourself, stay connected. Bye everyone.